मध्य प्रदेश चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में तकरार देखने को मिल रही है और अखिलेश यादव खासा नाराज दिख रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस मेरठ जिला अध्यक्ष अवनीश काजला से। और अवनीश जी, सबसे पहले ये बताइए, अखिलेश यादव तो जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या वो लैंग्वेज शोभा देती है एक पूर्व मुख्यमंत्री को इतने बड़े प्रदेश के? देखिए, किसी भी नेता का सबसे बड़ी बात है उसकी भाषा पर संयम होना चाहिए। आपकी हो सकता है राय मत अलग हो सकता है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर भाषा शैली पर आपको अपनी, मैं समझता हूँ किसी भी नेता को उस पर बड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। ये जो तकरार हुई है सीट बंटवारे को लेकर, कांग्रेस ऑलरेडी बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों जता रही है? हालांकि जो मकसद है वो भाजपा को हराने का ही तो मकसद है, अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ तो। देखिए, भाजपा को हराने का कोई मकसद नहीं है। अजय राय जी खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद है ये। देखिए, कांग्रेस का मकसद है सरकार बनाना। हम किसी को हराने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हम खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और कहीं भी इन पांचों राज्य के चुनाव में आप देखना, पांचों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और 2024 के अंदर भी हम अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को हराना हमारा मकसद नहीं है। जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आप और अपना आप हार जाएंगे। हाँ, वो हराना ही पड़ेगा तभी सरकार बनेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, उनका अपना अपना थोड़ा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो वहाँ डिमांड है, जो सीट शेयरिंग के लिए उन्होंने अपनी बात रखी होगी, तो बहुत सारी चीज़ विधानसभा लेवल पर हो सकता है नहीं सही से तरीके से तालमेल बैठ पाए, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत था और मजबूत रहेगा। अखिलेश यादव को देखा गया है बागेश्वर में भी, उन्होंने इसी तरीके से करा था चुनाव के समय, अपना कैंडिडेट उतार दिया कांग्रेस के सामने, भाजपा जीत गई उसमें। इंडिया गठबंधन 2024 के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है। ये पार्टी की लाइन है, आपकी पर्सनल लाइन है? मैं तो जहाँ तक अभी देख रहा हूँ कि 2024 के पहले जितने चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तो कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ रही है सभी जगह। और इंडिया गठबंधन के लोग जहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। हम तो अखिलेश जी से भी कहेंगे, उनका मध्य प्रदेश में जो भी उनके सपोर्टर हैं, वो अगर चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो तो कांग्रेस के साथ आएँ। लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे हैं या उनका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज दोनों देखने को मिल रही है मीडिया के सामने, वो तो नेगेटिव है कांग्रेस के लिए? देखिए, नेगेटिव नहीं है। उन्होंने भी, आपने देखा होगा, बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है और मजबूती के साथ रहेगा। 2024 के लिए किसी भी तरीके की कोई भी शंका, कोई भी मतभेद इंडिया गठबंधन में नहीं है। आप युवा नेता हैं और मेरे ख्याल से वकील भी आपके पहनावे से लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव का? आपने बयान सुना भी होगा शायद। नहीं, अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें उनके अपने विचार, अपने मत हैं उनके, क्योंकि जो, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष अवनीश भैया ने बताया कि जो इंडिया गठबंधन है वो 2024 के लिए है। अभी जो विधानसभा में क्या समीकरण है, सवाल का उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी घुमा दिया जब मैंने पूछा है कि ये पार्टी की लाइन है या आपकी लाइन है। नहीं, अब जो विधानसभा चुनाव के लिए तो कोई कमिटमेंट पार्टी ने किया नहीं है ना। विधानसभा जीतेंगे तभी तो लोकसभा तक पहुंचेंगे ना, विधायक बनेंगे तभी तो वो सांसद बनाएंगे। अब क्या समीकरण है, क्या नहीं, क्या उन्हें महसूस हो रहा है, वो दोनों विचार दोनों के मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो उनका अपना पर्सनल, सपा का अपना वो है। अखिलेश का जो बयान आया वो सही है, अजय राय के खिलाफ तो काफ़ी बोले हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। अब इस बारे में मैं कोई कमेंट देना नहीं चाहूँगा कि वो सही है या गलत है, वो उनके अपने पर्सनल, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। पर्सनल लेवल पे बात करके भी तो दे सकते हैं, तो पब्लिक के सामने इस तरीके के बयान दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, क्या पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को यूपी के ऐसे शोभा देता है? नहीं, देखो, सबसे पहले तो किसी भी नेता को राजनीतिक वे से बात नहीं करूँगा मैं। हर पर्सन को अपने सबसे पहले शब्दों का ठहराव बहुत ज़रूरी है, उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और राजनीतिक स्तर जितना ही गिरता जा रहा है या गिरा रहे हैं, वो ज़रूरी है कि वो ना जाए उस लेवल पर। देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि उनके सीनियर लीडर हैं एक तरीके से देखा जाए अखिलेश यादव, तो गलत तो कुछ नहीं कह रहे हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बोला है। यही एक तरीके से कहा जा सकता है मिलजुल के रहने का तरीका होता है। बाकी लीडर से भी बात कर लेते हैं, क्या पद पे हैं इस टाइम आप? मैं जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ।
अच्छा सलीम खान मेरा नाम है। अच्छा सलीम भाई साहब, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को पूरा? अखिलेश यादव ने तो काफ़ी जिस तरीके से बोला है कि उनकी औकात क्या है, अजय राय के लिए बोला है, ये क्या शोभा देता है? आपको कैसा लग रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े पार्टी के नेता हैं और इन्हें संयम रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीतने जा रहा है, 5 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। ये तय हुआ था कंटेनमेंट में जो बना था कि भाई इसमें जहाँ पर जो मजबूत है उसे वहाँ लगाना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में जो भी उनके समर्थन है वो हमें समर्थन करें, और हम इसी मारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि पूरी सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की, और पूरी सीटों पर जब लोकसभा की तैयार कर रहे हैं उसमें किसे कहाँ सीटें मिलेंगी वो बात की बात है। और हम ये चाहते हैं कि 300-350 सीटें हमारी जीत के आ रही हैं। अब एनडीए की सरकार अब कैसे बनने जा रही है, और हमारे पास इतने लोग, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार हमारी बनने जा रही है, और हमारी हमारे पास इतने दूसरी पार्टियों के नेता रहे, बीजेपी के नेता भी हमारे टच में हैं जो हमारी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, बीएसपी के भी नेता, इसको क्या कहेंगे? बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हो आप, सही बता रहे हो आप, ये बड़े स्तर पे आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बीजेपी के भी नेता टच में, और हमारे पास समाजवादी के भी पूर्व मंत्री के टच में, अभी हमने बात भी करी थी। एकाध का नाम तो बता दो। नाम नहीं बताएंगे, बता दो। ये तो पत्ते हम जब खोलेंगे, जब हमारा ये 5 राज्यों के जीतते आएंगे तो फिर देखना पड़ता। तो इसी चीज से तो नहीं भौकला रहे कहीं अखिलेश यादव की समाजवादी के भी? इस वजह से थोड़ा बहुत इसमें है, वो तो हमारे गठबंधन का स्तर, जैन चौधरी बेनता मजबूत, अखिलेश यादव मजबूत, पर हमारे गठबंधन के जो है उसमें कुछ मीडिया की भी गड़बड़ी है, कुछ उधर से दिखा दे कुछ इधर से जगह जो है वही दिखा रहा है मीडिया। तो मीडिया पे क्यों आ जाते हो बार बार? मीडिया तो भाई पूरा सहयोग कर रही है बीजेपी वालों का, अब इसका तो कोई बात कर रहे हो आप? मैं बिल्कुल इस पर बात कर रहा हूँ, और राहुल गांधी जैसा ईमानदार इस देश में नेता है नहीं, और उसकी ईमानदारी का ये है कि उसे पप्पू बनाने की कोशिश करी, हजारों करोड़ रुपये खर्च करा। आपको पता पप्पू किसने नाम रखा था? इन्होंने रखा जो ये है, किन्होंने? एनडीए करने बनने वालों ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने नाम रखा था, अगर आपको ध्यान हो, जो मेरा जानकारी है नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में है, और अब हो सकते हैं कांग्रेस में बीजेपी के नेता थे, तो रखा तो उन्होंने ही था, और कांग्रेस से ही तो आए थे नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस से नहीं आए थे, और अब तो कोई भी नहीं कहता, आपने कह दिया। मैंने यूँ कह दिया क्योंकि इनको उनकी औकात दिखानी थी। किसको? इन्हें जो दिखानी थी बीजेपी वालों को, उनकी औकात दिखानी थी, वही राहुल गांधी जिसे दुनिया सलाम कर रही है, विदेशों में उसके दंगे बज रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में बुलाया जा रहा, अब क्या हो रहा? अब वही राहुल गांधी है, राहुल गांधी 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और यही हिंदुस्तान की जनता, मुसलमान ने कसम खा ली है कि कांग्रेस तो हम जी जान से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, दलितों ने कह दिया कि हम कांग्रेस पे जा रहे हैं, मुस्लिम वोट देने जा रहा है कांग्रेस की तरह, 100% मुस्लिम। मुझे ये बता दो ना कि समाजवादी पार्टी की क्या जरूरत है, वो तो यही कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है हमारे पास। ये ऐसा है कि मजबूत है ना कांग्रेस, कांग्रेस पूरी मजबूत है, कांग्रेस की तरफ को दलित भी आ रहा, मुसलमान तो है ही, त्यागी नाराज है, त्यागी भी कांग्रेस की तरफ को देख रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसानों के साथ उन्होंने जुल्म करे हैं और लड़कियों के साथ बेहुरमरी कर गई, वो भी सारे के सारे सब देख रहे हैं, और वो सारे मन मना के बैठे चुप बैठे हैं, जब 2024 का चुनाव होगा सेंटर में इंडिया की सरकार बनेगी। आपको लगता है कि अखिलेश की जरूरत है कांग्रेस को? नहीं हमें, हाँ या ना? देखिए हमें सबकी जरूरत है, और हमें जो हमारा गठबंधन है हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे, और हम इसमें जितने भी हैं उन्हें हम नहीं कहेंगे, हमने जो कर लिया, कांग्रेस हमेशा मुट्ठी बन चढ़ करने वाली पार्टी है, वो सबको साथ लेकर करने, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमारे लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी देश की मजबूत पार्टी, हमेशा देश आज़ाद करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जब हमने जब कुछ भी नहीं था सन 71 में, जब हमने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटनों के बल बिठा लिया।